साधना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। साधना जी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के नाम पर सियासत का नया चैप्टर भी शुरू हो चुका है क्या, क्योंकि सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, ये हकीकत है या नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल हकीकत नहीं है इसमें। आपको याद होगा 2013 में जब किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, उस समय राजनाथ सिंह जी जाकर बड़ी बड़ी बातें करते थे वहां और मंचों को साझा करते थे। यही टिकैत जी थे, यही युद्धवीर सिंह जी थे, और वो कहते थे कि पीएम को खुफिया जानकारी होती है और 3 दिन तक अगर खुले आसमान में किसान बैठा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। मेरे ख्याल से 3 महीने होने आ गए, राजनाथ सिंह जी के कानों में तेल डलवाइए जरा समीर जी, तो उन्हें समझ में आएगा। और दूसरी बात, मैं खुद किसान परिवार की बेटी हूँ आदरणीय समीर जी, और मैंने 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को खुद संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी। यही सरकार थी, ये तब भी किसानों पर कह डा रहे थे। आज एक तरफ किसान नेता टिकैत बैठे हैं तो दूसरी तरफ देश के सिंहासन पर दिल्ली में डकैत बैठे हैं जो खेती खलियानी पर आज आक्रमण करने पर आतुर हो गए हैं, और ये बंगाल में जो वोटों की फसलें काटने के लिए चले गए हैं। 5000 करोड़ रोहित चहल, देखिए जब तक अभी तक आप बोल रहे थे, विक्रम सिंह साहब बोल रहे थे, तो वो सुन रही थी ना चुपचाप। अब जरा सुनिए, तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखिए। मैं आता हूं आपके पास इसके बाद। साधना जी कंप्लीट करें जल्दी से जी। और ऊपर से मैं पूछना चाहती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता क्यों जासाराम बाबा का झूठ छाप चूर्ण बांटने के लिए आ जाते हैं? 200 से अधिक किसान आने शहादत दे दी, संवेदनहीन सरकार है, प्रधान साधना जी बैठे हुए हैं। और साधना जी, साधना जी के माध्यम से, लेकिन आज रामपुर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को जो हिंसा का दौर दिल्ली ने देखा उसका तो अंदाजा होगा आपको, और जिस किसान की मौत हुई वो कैसे हुई ये भी आपको पता होगा। अब उसके घर पर पहुंचना और शोक सभा का हिस्सा बनना, ये किस तरह की सियासत है? देखिए, कोई सियासत नहीं है, इसे संवेदनशीलता कहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आपके माध्यम से बता देती हूँ, 26 जनवरी को ये भाजपा का समर्थक, मोदी जी का खास आदमी जो प्रधानमंत्री आवाज में फोटो खिंचवाता है, ये दीप सिद्धू जाकर वहां पर तिरंगा हटाकर कोई और, अरे फिर वही दीप सिद्धू पर तो 1 लाख का इनाम घोषित हो गया साधना जी। लेकिन ट्रैक्टर मार्च जो 26 जनवरी को हुआ, जिसके दौरान हिंसा हुई, उसको तो आपकी पार्टी का समर्थन था ना साधना भारती। अब आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया। पहले आप कहते रहिए कि किसान आंदोलन के साथ हैं, ट्रैक्टर मार्च के साथ हैं, किसानों तुम आगे बढ़ो, और उसके बाद जब हिंसा हो गई तो पीछे हट गए। अरे ये गांधीवादी राष्ट्रवादी नहीं थे ये किसान, ये तो गौडसेवादी उपद्रवी थे, और गौडसेवादियों ने कभी अपने मुख्यालयों में झंडा नहीं फहराया तिरंगा, तो ये यहाँ क्या कर रहे थे? इसीलिए गौडसेवादी गुर्गों को गिरफ्तार करें और तुरंत ये काले कानून वापस ले और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए, तो सारी इंटरनेशनल साजिश खत्म हो जाएगी जिसकी बात आप कर रहे हैं। ये बंगाल में वोट की फसल काटने जा रहे हैं। रोहित चहल आप जवाब दे दीजिए, हो गया, इनके पास बातें नहीं है बनाने के लिए, हो गया। रोहित चहल जवाब दे दीजिए, अब ये किसान आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा, किसानों की बात आप सुन लेते तो शायद ऑपोजिशन को ये कहने का मौका नहीं मिलता, सुलझाएंगे कैसे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से 370 जैसा जो काला कलंक था वो हटा दिया और शांति सुलझ गया। इनको दर्द उस चीज का है, राम मंदिर कैसे बन रहा है इनकी छाती पे, इनको दर्द उस चीज का है कि शांति से कैसे बन रहा है, एक भी गोली नहीं चली, ट्रिपल तलाक जा, काला कानून हटा दिया, इनको दर्द उस चीज का है। और महत्वपूर्ण विषय राहुल गांधी जो है, अभी रोहित चहल बीच में बोल रहे थे तो आपको बुरा लग रहा था। साधना जी, अब आप वही काम कर रही हैं। अरे नहीं, अब आप वही काम कर रही हैं। अरे वो जो पाकिस्तान और साधना जी, पाकिस्तान और चीन का चूर्ण खा के राहुल गांधी देश विरोधी जो उनका गड़बड़ हो जाता है ना पेट, वो जो राहुल गांधी खा लेते पाकिस्तान और चीन का, एक मिनट चाट थोड़ी थोड़ी में जाकर थोड़ी सार्थक बहस होना, थोड़ी सार्थक बहस हो, खड़े होकर चुनावी रैलियां तो होती है इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाने के लिए। राहुल गांधी देखिए, ठीक है, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।